हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सारे चढ़ती कला के होने और तैयारी भी तुहाड़ी चंगी चलती होनी है। अज असी अपना नैक्सट चैप्टर लैके आए हैं जो कि काफ़ी इंट्रस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम हैगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी सौखा टॉपिक है तो आसानी के नाल समझ आ जानी है तुहानू। ठीक है, अज की असं लेआउट डिस्कस करते हैं। पहला असं अज की पढ़ांगे, सब तो पहला असं बाइनोमियल थ्योरम के अंडर टॉपिक की इंट्रोडक्शन करांगे बाइनोमियल थ्योरम की। उस तो बाद पास्कल्स ट्रायंगल है एक वो करांगे, उस तो बाद बाइनोमियल थ्योरम करांगे, उस तो बाद जनरल टर्म करांगे ते MCQ करांगे। ठीक है, जनरल टर्म सानू क्वेश्चंस दे विच फाइंड करन कही जाती होंगी है। ठीक है, असी वो किदा फाइंड करनी है असी उहदे बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी बाइनोमियल थ्योरम बन्नी वधदे आ, इंट्रोडक्शन करांगे असी। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम बन्नी वधन तो पहला असी वर्ड बाइनोमियल दी गल करदे आ। ठीक है, असी इहनू अलग तोड़ांगे, इहनू असी अलग तोड़ांगे। ठीक है, इहनू टू पार्ट्स दे विच कर लिया। बाई दा तुहानू पता मतलब की हुंदा, टू हुंदा, टू। ठीक है, नॉमियल मतलब नंबर्स। हुण मैनू लगदा तुहानू समझ आ गई होनी है वी बाइनोमियल दा मतलब टू टर्म्स, टू नंबर्स होण। ठीक है, उहदे बारे गल कई होनी है थ्योरम दे विच कोई ना कोई। ठीक है, हुण असीं छोटियां क्लासेस दे विच पढ़ चुके हाँ वी मान लो स्टूडेंट्स तुहानू इदां कहा जांदा हुंदा सी 99 दा स्केयर फाइंड करो। तुसी की करदे हो, है ना, एक तां तुसी इदां करोगे 99 × 99 इहनू, है ना, तुसी सॉल्व करोगे, उस तों बाद तुहाडे कोल कोई वैल्यू आ जाणी है। ठीक है, सैकेंड मैथड की आ जो असी शॉर्टकट भी कह सकते हैं या असी आसान मैथड भी कह सकते हैं, वो असी इदां कर सकते हैं 1100 - 1 दा होल स्केयर। ठीक है, ए माइनस बी दा होल स्केयर, ये हुण सारिआं नूं ही पता लगभग की हुंदा, इहदा ए दा स्केयर प्लस बी दा स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, देखो इतने 100 आ गया प्लस 1 आ गया, सॉरी 100 नहीं आएगा, प्लस 1 माइनस 200। ठीक है, इनू असी सॉल्व कर लेंगे, 0089 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 करेंगे असी, इतने 1 आ गया। ठीक है, इदा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका साडा ए सी। ठीक है, इदा ही स्टूडेंट्स सानू कोई होर क्वेश्चन दिता, मान लो सानू क्वेश्चन दे दिता मान लो 1998 दा होल स्केयर, काफ़ी वड्डा हो जाना, है ना। अही की करांगे जे असी इदा करांगे 99 98 1998, इहनू असी सॉल्व करांगे इदा। ठीक है, काफ़ी वड्डा हो जाना। हुण असी दूसरा तरीका आ वाला 2000 - 2 दा होल स्केयर असी उदा ही खोलांगे ते अपने कोले सल्यूशन है जो आ जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो इत्थे डील कादी हो रही है। हुण इत्थे देखो डील कादी हो रही है, इत्थे टू टर्म्स बारे डील हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल असी 100 माइनस 1 करिया सी, सैकेंड वेले 2000 - 2 करिया थी, कितने टर्म पई होनी है साढ़े कोले एक्स प्लस वाई पई होनी है, कोई जनरल टर्म है, कोई 2x + 3y कर पई होनी है कितने, जा 2x - 3y पई होनी है कितने, जा असी इदा कह सकते हैं 5x - 2 पई होनी है। किसी भी तरह की टू टर्म्स होन, टू टर्म्स होन, उन्हां दे विचाले या तो प्लस होवे जां माइनस होवे, जां प्लस होवे जां माइनस होवे कोई मैटर नहीं करता। टर्म्स टू होन, टू टर्म्स होन कनैक्टड विद प्लस और माइनस इज नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल असी उस एक्सप्रैशन नूं कहने आ, उस एक्सप्रैशन नूं असी बाइनोमियल कहते हाँ जिदे विच टू टर्म्स होन ते प्लस माइनस दा उन्हां दे विच साइन होवे। ठीक है, उम्मीद करदा तुसी समझ गए होणे हो। असीं किद्दां लिखांगे, अलजैबरिक एक्सप्रैशन, अलजैबरिक एक्सप्रैशन ऑफ टू टर्म्स कनैक्टड विद, कनैक्टड बाय प्लस और माइनस, प्लस और माइनस इज नोन एज, नोन एज की कहांगे असी, बाइनोमियल कहांगे। ठीक है, हुण इत्थे तक कम साडा बाइनोमियल दा कम मुक गया।
हूँ असी वधांगे बाइनोमियल थ्योरम मनी नूं की दिक्कत आई सानू की परेशानी थी अही वो डिस्कस करांगे। ठीक है हूँ बाइनोमियल उम्मीद करदा समझ आ गई होनी तुहानू। अही अगे वधदे आ नोट करना नोट कर सकदे हो। स्टूडेंट्स हूँ असी बाइनोमियल नूं चंगे तरीके नाल समझ चुके हैं ना भी बाइनोमियल है की आ। मान लो हूँ इदा असी गल करते हैं कोई एक्स प्लस वाई हो जाए तो वो पावर जीरो हो जाए सारे नूं पता किन्ना होगा किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाती है किन्ना आउंदा हुंदा वन आउंदा हुंदा। लो जी मैं कहना जी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर वन हो जाए तो की आएगा साढ़े को एक्स प्लस वाई आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है हुण लो जी मैं अगे चलदा मैं वधदा गया एक्स प्लस वाई रेज टू पावर टू आ जाए फिर की करांगे असी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है विच इज़ ईक्ल टू इनू ये मल्टीप्लाई फिर इनू ये फिर दोनों अगे पिछड़ करके की आ जाना साढ़े को एक्स का स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। असी इतों डायरैक्ट आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं अभी इदा भी कर सकते हैं। ठीक है हुण लो जी असीं इत्थे नहीं रुकते अगे चलते हैं एक्स प्लस वाई दी क्यूब वो भी साढ़े कोल असी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ ईक्ल टू किदा आजूगा। ठीक है अही इनू मल्टीप्लाई करांगे चलो मेरे तो हुण याद होया पिया मैं डायरैक्ट लिख देना तुसीं मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इत्थे साढ़े कोल किदा आजूगा एक्स दी क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्केयर प्लस सॉरी y प्लस थ्री एक्स वाई स्केयर प्लस वाई दी क्यूब। ठीक है भी हूँ सिमिलरली अगे वधदे गए असी पावर अगे वधाउंदे गए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इच इज इक्वल टू एक्स रेज पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस सिक्स एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस फोर एक्स वाई क्यू प्लस वाई रेज टू पावर फोर। ठीक है इदा ही चल रहे गए असी लो किते जाके पावर किते एक्स प्लस वाई रेज टू पावर ट्वेंटी भी आएगी किते जाके एक्स प्लस वाई रेज टू पावर ट्वेंटी फाइव भी आएगी अगे होर वधदे जांदे आ किते जाके एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन भी आएगी कि असी फिर इदा ही करांगे एक्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू अप टू 25 टर्म्स या 20 टर्म्स या एन टर्म्स है ना बड़ा गुंझलदार हो जाना बहुत कम खराब हो जाना है ना। इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन वास्ते साढ़े कोल आई बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम वो कहती तू इदा मल्टीप्लाई करन दी लोड़ नहीं हैगी तुहाडे कोल पावर आ जिनी है ना वो तो ही तुसी अपना एक्सप्रैशन डायरैक्टली ही लिख सकते हो। ठीक है बाइनोमियल थ्योरम कहती कहती तू इदा मल्टीप्लाई करन दी लोड़ नहीं हैगी जे अपने कोले फोर टर्म्स ने तो फोर टर्म्स लिखन तो बाद मल्टीप्लाई करांगे फिर आंसर आऊगा या थ्री टर्म्स ने थ्री टर्म्स लिखन तो बाद मल्टीप्लाई करांगे फिर आंसर आऊ इदा कुछ भी करन दी लोड़ नहीं हैगी तुहाडे कोल एक्सप्रैशन आ उहदे तो डायरैक्ट तुसी एक्सप्रैशन लिख सकते हो। वो किदा लिख सकते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम किदा आई की ऑब्जरवेशन हुई पहले असी उहदे बारे डिस्कस करांगे। ठीक है हुण वेखो साढ़े कोल इहनू असी ऑब्जर्व करदे आ पहला तां जो साढ़े कोल एक्सप्रैशन आए ने है ना सब तो पहला असी ऑब्जर्व करांगे साढ़े कोल टर्म्स किन्नियां ने ऑब्जरवेशन स्टूडेंट्स तुसां ने ध्यान दे विच रखणी आ ऑब्जरवेशन दे विचों क्वेश्चन बनदे आ। ठीक है जो मैं ऑब्जरवेशन तुहानूं हुण करवाउण जा रहा उहदे विचों क्वेश्चन बनदे आ हो सके तुसीं जे लिख लवो तां चंगी गल आ है ना। हुण देखो इत्थों की गल आ इत्थे पावर किन्नी सी साढ़े कोल जीरो पावर सी टर्म्स किन्नियां आईआं वन टर्म आई साढ़े कोल पावर वन सी टर्म्स किन्नी आई हैं वन टू टू टर्म्स आई हैं साढ़े कोल पावर टू सी टर्म्स किन्नी आई हैं वन टू थ्री थ्री टर्म्स आई हैं उस बाद पावर साढ़े कोल थ्री सी टर्म्स किन्नी आई हैं वन टू थ्री फोर टर्म्स आई हैं। मैनू लगता हुण तुसीं समझ गए होवोगे कि जिन्नी पावर आउंदी आ टर्म्स उदों एक प्लस दे विच आउंदियां ने। ठीक है जिन्नी पावर बाइनोमियल दी होएगी उहनूं खोलण ते जो टर्म्स आउणगियां उह एक प्लस होएगी इहदे ते क्वेश्चन बनदा डायरैक्ट क्वेश्चन बनदा है ना। कोई बाइनोमियल दित्ती गई होगी तुहानूं तुहानूं आख्या जाऊगा इहदे टर्म्स दसो किन्नियां आउणगियां। ठीक है वह अगे जाके डिस्कस करांगे आपां सब तो पहला तो यह ऑब्जरवेशन होगी। ठीक है दूजी ऑब्जरवेशन की है
ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਾਈ ਦਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵਨ ਸੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵਨ ਸੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਸੋਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵਨ ਆ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵਨ ਆ ਹੁਣ ਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਟੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਹੈ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਟੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥ੍ਰੀ ਹੈ ਐਕਸ ਥ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਥ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫੋਰ ਆ ਐਕਸ ਫੋਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਫੋਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਫੋਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਤੀ ਥ੍ਰੀ ਤੀ ਟੂ ਵਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਿਆ ਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ ਹਰੇਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਥ੍ਰੀ ਪਲੱਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਂਡ ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਂਡ ਵਨ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਂਡ ਫੋਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਨੀ ਕੋਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵਨ ਆ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਹੈ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਥ੍ਰੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਹ ਵੇਰੀਏਬਲਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਵਨ ਥ੍ਰੀ ਥ੍ਰੀ ਵਨ ਵਨ ਫੋਰ ਸਿਕਸ ਫੋਰ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹ ਕੋਫੀਸੈਂਟਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਫੀਸੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮੀਲਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਫੀਸੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਏ ਬਲੇਅਰ ਪਾਸਕਲ ਬਲੇਅਰ ਪਾਸਕਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਵਨ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਟੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖੋ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਵਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨ ਵਨ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਫੀਸੈਂਟ ਵਨ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵਨ ਆ ਵਨ ਵਨ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਆ ਜਦੋਂ
पावर टू आ, कहिंदा इन्हां नूं भला इन्हां नूं ऐ करिया ते इन्हां नूं प्लस करो, प्लस करिया टू आ गया। ठीक है, यह इहनूं असीं इदां ही उतारांगे, वन इहनूं वी इदां ही उतारांगे। देखो बन गया वन टू वन वन टू वन। उस वक्त कहिंदा पावर जो थ्री है फिर असीं की करांगे, कहिंदा इन्हां नूं ऐड करो थ्री, इहनूं वी ऐड करो थ्री ते इहनूं असीं इदां ही उतार लांगे। लो अगले x प्लस वाई रेस पावर थ्री दे कोफिशेंट बने आ वन थ्री थ्री वन। ठीक है, सिमिलर कोफिशेंट बन गए। उस तो बाद फिर अगे उन्होंने आख्या कहते भी जो पावर चार आ मान लो, फिर असं इन्हों ऐड करा फोर, इनू ऐड कर सिक्स, इनू ऐड कर फोर तो एक वन, इधर भी वन। ठीक है, हूँ जो पावर फाइव है, पावर फाइव है जे, फिर असं इन्हों ऐड करा फाइव, इधर वन, इधर टेन, उस तो बाद फिर यदा टेन, यदा तो यदा फाइव तो एक वन। ठीक है, हूँ फाइव तक तो असाने करी फोर पावर तक चेक कर लेने असी। देखो वन फोर सिक्स फोर वन, मसला हल हो गया साडा कोफिशिएंट्स का, बट पूरी तरह नहीं हल होया, क्योंकि अगर तुहानू आख्या जाए भी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर ट्वेंटी का फाइंड करो, ट्वेंटी की एक्सपेंशन फाइंड करो, फिर तुम की करोगे वो ट्राइंगल बना बैठोगे, है ना, बहुत मसला टेढ़ा हो जूगा। पहला तुसी वन तो स्टार्ट करन तो बाद है ना इनू ट्वेंटी तक तुसी ट्रायंगल बनाओगे, ट्वेंटी तो बाद ट्रायंगल बनाउन तो बाद फिर तुसी किते जाके अपनी एक्सपेंशन लिख पाओगे, है ना। मसला हल तो हो गया बट सही तरीके नाल नहीं होया, मसला उही हो रहना है ना भी टाइम खराब करन दा, टाइम दी तुहानूं कीमत पता किन्नी आ अजकल, है ना। फिर अहीं इहदे नाल हल तो कर सकते हाँ बट प्रोपर हल नहीं होया, है ना। फिर साढ़े कोल आई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की कहती है, वो कहती जी आ लो जी जे एक्स प्लस वाई आ रेज टू पावर एन, तो वह कहती है कहते भी एन सी जीरो, एन सी जीरो ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन वाई रेज टू पावर वन। आ पावर्स तो उम्मीद ने, ठीक है, पावर्स का कोई चक्कर नहीं, असी कोफिशिएंट का चक्कर से सानू वो बाइनोमियल थ्योरम ने सॉल्व कर दिती है। ठीक है, एन सी जीरो एन सी वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन तो वाई दी वन, इदा ही एन सी टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू वाई रेज पावर टू, इदा ही चलते गए जी असी। कोई इतने के जाके एन सी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर वाई रेज पावर आर। ठीक है, हूँ इदा ही अगे एंड ते एन सी एन एक्स रेज पावर एन माइनस एन की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्स रेज पावर जीरो हो जाएगा, वाई रेज पावर एन हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम ने सारे दे सारे मसले सॉल्व कर दिते, जो साडा ट्रायंगल वाला मसला सी ओह सॉल्व कर दिता, जां सानू मल्टीप्लाई करनी पैंदी सी ओहदा मसला भी सॉल्व कर दिता। ठीक है, हुण इह जिहड़े बच्चे कुछ नूं तां पता होगा, जिहड़े पहलां कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी करदे आ उहनां नूं तां पता एन सी बारे, है ना, की है कंबीनेशन। बाकी जिहड़े नवे बच्चे ने उहनां नूं मैं समझाउण की कोशिश करांगा हुण की है। ठीक है, पहलां इहनूं नोट कर लो फिर आपां अगे वधदे हां। देखो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम तो बाद साडा मसला हल हो गया भी असी किसी भी बाइनोमियल की जिनी मर्जी पावर होवे, इत्थे असी एन लई आ, एन जो भी होवे, ठीक है, उसनू असी इदां खोल सकते हैं। हुण वेखो इहदे विच कुछ टर्म्स आ रही ने उहदे बारे डिस्कस करते हैं। वैसे आ एक्स वाई दी रेज पावर ने कुछ ना, इन्हां बारे तो सानू सब कुछ जानकारी हैगी है, कोई मसला नहीं। जो आ एन सी जीरो आ, एन सी वन आ, एन सी टू आ, इहदे बारे गल करते हैं असी। ठीक है, हुण मान लो असी जनरल लैंदे आ, कोई एन सी आर आ, मान लो एन सी आर, ठीक है, इहनूं असी किद्दां खोल सकदे आ, एन दा फैक्टोरीयल बाय आर फैक्टोरीयल बाय एन माइनस आर दा फैक्टोरीयल। ठीक है, कई बुक्स के इदा लिखा हुंदा, तुसीं घबराउणा नहीं, एन फैक्टोरीयल बाय आर फैक्टोरीयल बाय एन माइनस आर दा फैक्टोरीयल, इक्को ही गल आ। ठीक है, किते कहो भी आ पढ़ाया सी, आ पता नहीं कित्थों आ गया। ठीक है, इह इदां हुंदा। हुण देखो मान लो ये इदा खुलता है ना, कुछ अपन नूमेरिकल टर्म्स ले लें, फाइव सी टू ले लें, देखो कि खुलूगा, फाइव फैक्टोरीयल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरीयल बाय फाइव माइनस टू फैक्टोरीयल विच इज इक्वल टू फाइव फैक्टोरीयल बाय टू फैक्टोरीयल बाय थ्री फैक्टोरीयल। ठीक है, हुण असी आ वाले फाइव नूं असी इदा खोलेंगे, फाइव इंटू
4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल होता हूँ मैं थोड़ा दसा, आ देखो मान लो 5 का फैक्टोरियल आ, तो वह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता होंगे, भाव एन का फैक्टोरियल आ लो एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू 1 तक, ठीक है, इदा जाऊगा है। हूँ देखो असी इन इतने तक खोल लिया 5 इंटू 4 इंटू रूट फैक्टोरियल 3 एंड 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 नू फैक्टोरियल 3 नाल कैंसल आउट करिया, 2 नू असी 4 नाल करिया, 2 रह गया 10 आ गया आंसर, ठीक है। ये बेसिक गल्ला ने जो तुहानू अगे दिक्कत ना आवे तां समझाइयां ने, ठीक है। हुण उम्मीद करदा तुसीं आ सारे दे सारे समझ गए होवोगे वी एन सी जीरो किदां खोलू, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी आर, एन सी एन किदां खोलूगा। जिवें एन सी जीरो की गल कर लो, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल, ठीक है। जीरो का फैक्टोरियल तुहानू दस देवां, जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये चेते रखना तुसां ने। एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल एक कैंसल आउट हो गया तो साढ़े को 1 बच गया, ठीक है। हुण देखो, हाँ हुण मैं दो चीज़ां नाल नाल करवावांगा तुहानू, इत्थे वेखो एन सी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एन नाल एन गया साडा 1 आ गया, ठीक है। हुण सिमिलरली इतों कुछ आप एक्सप्रैशन लिखते हैं, एक्स प्लस 1 सॉरी वाई द होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एंड एक्स प्लस वाई द क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्केयर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्केयर प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई रेज फॉर 4 विच इज इक्वल टू एक्स रेज फॉर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब वाई प्लस 6 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 4 एक्स वाई क्यूब प्लस 1 वाई रेज फॉर 4, इदां चल देंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन द्वारा तो लिखिया ने कुछ गल्लां समझाउणियां ने तुहानू, ठीक है। हुण वेखो जो एन सी जीरो सी वह कित्थे पिया सी, साडे कोल फस्ट टर्म दे विच पिया सी, ठीक है। इधर एन सी एन आ जो साडे कोल लास्ट टर्म दे विच पिया एन सी एन, ठीक है। एन सी जीरो भी साढ़े को 1 आ, एन सी एन भी साढ़े को 1 आ, ठीक है। कहन का भाव यह आ जो पहला फस्ट पोजिशन से टॉपिक सॉरी कॉफीसेंट पिया वह एक लास्ट पोजिशन से कॉफीसेंट पिया, दोनों इक्वल ने, ठीक है। ये गल समझा चाहता सी मैं, जो कॉफीसेंट फस्ट पोजिशन से पिया वह लास्ट वाली इक्वल आ, ठीक है। हुण की यह फस्ट तो लास्ट वाली इक्वल आ, की साढ़े को सैकेंड तो सैकेंड लास्ट के इक दे लई इह चीज़ एप्लीकेबल होगी, वह चीज़ मैं इतों समझावगा तुहानू, क्योंकि इतों थोड़ा गुंझलदार हो जाना। जिवें कि फस्ट वाला लास्ट वाले दे इक्वल आ, फस्ट इतने 1 पिया, इतने भी 1 पिया, सैकेंड 4 आ, सैकेंड कितना इतने, सैकेंड लास्ट कितना वह भी 4 आ, ठीक है। मिड वाला मिड दे इक्वल ही आ गया, ठीक है। उस तो बाद असी एक्स क्यूब वाले दे वेख लो, एक्स प्लस वाई दे फस्ट वाला फस्ट दे इक्वल आ, ठीक है। सैकेंड वाला सैकेंड लास्ट दे इक्वल आ, इदा ही स्टूडेंट्स जो असी इदा टर्म्स दे विच नीचे नूं वधदे जावांगे फस्ट वाला फस्ट दे इक्वल होएगा, फस्ट जो लास्ट वाला सैकेंड लास्ट दे इक्वल होएगा, थर्ड दा थर्ड लास्ट दे, फोर्थ दा फोर्थ लास्ट दे, असी इधरों इधर नूं वधी जावांगे, इधरों इधर नूं वधी जावांगे, जो इदा कॉफीसेंट आई जावांगे एक एक स्टैप करन तों बाद, वह सारे दे सारे कॉफीसेंट एक दूजे दे इक्वल होणगे। ये तुहाडी एक प्रॉपर्टी बनती है जो तुसाने याद रखनी आ। कहण दा भाव ये आ वी एन सी जीरो, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन और एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। हुण असीं इहदे तों बना के वेखीए जरा, मान लो आर जीरो आ, लो जी आर जीरो आ, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन, उही चीज़ बन गई है। आ तुसा ने जो रिजल्ट आ ये याद रखना, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है भाई। ये हो गया अपना रिजल्ट। हुण एक होर चीज़ आउंदी हुंदी है, मान लो तुहानू कोई न्यूमेरिकल आ गया इस बेसिस ते आ जांदा हुंदा वी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एस, दैन फाइंड एस, एस की वैल्यू किन्नी होएगी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਸੀ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ,
ठीक है, तुहानू एस की वैल्यू फाइंड करन नू कहा जाऊगा ते तुसी आराम दे नाल एस की वैल्यू लिख सकते हो। तो एक होर रिलेशन हुंदा है वो तुसी सॉल्व करन तो बाद, मैं इत्थे डायरैक्ट ही लिखांगा, तुसी सॉल्व करन तो बाद देख सकते हो भी रिजल्ट ट्रू है या नहीं ट्रू है। देखो मान लो साडे कोल एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है, ये साडे कोल दूजा रिलेशन लगा लो या आ साडे कोल पहला एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ठीक है, एन एन दोनों तो सेम आ, आर ते आर माइनस वन, ठीक है, मतलब कि नाल लगदियां टर्म्स ने, ये तो सानू ध्यान च रखना, जदों एन सी उपर कॉमन होवे, ठीक है, तो हेठा नाल लगदियां टर्म्स होन फिर की हो जाता होंदा, तां एन दे विच एक प्लस हो जूगा, सी हो जूगा, तो ये विच वड्डी टर्म आ जानी है। मान लो कि मान लो फाइव सी टू प्लस फाइव सी थ्री, इदा ठीक है, नाल लगदियां ने टू थ्री विच इज इक्वल टू फाइव प्लस वन सी, वड्डी कहड़ी है ना, जो टू जो थ्री चो टू वड्डा कि थ्री वड्डा, टू वड्डा है ना, नहीं थ्री वड्डा, थ्री वड्डा, लो मतलब कि यह हो गया सिक्स सी थ्री आ जाने आंसर, ठीक है, तो सिक्स सी थ्री भी हल कर लो, चाहे इन्हों कले कले हल करने तो बाद प्लस कर लो तो रिजल्ट तुम्हें पता लग जू भी ट्रू है या फालस है, ठीक है, ये तो चीज़ा अपन। हूँ एक रिजल्ट होर है, इतों रेज करना मैं, स्टूडेंट्स कितने मान लो डिवीजन आ जाती है एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन, ठीक है, आ वड्डी टर्म आ नीचे छोटी टर्म आ, फिर असं की करांगे आ दोनों कॉमन ने, यह सानू याद रखना, ठीक है, तो साडे कोले की आएगा एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर, जो सब तो वड्डी होएगी, वड्डी की है एन आ, उहदे विचों माइनस होएगी छोटी, ठीक है, इदां तुसीं याद रख सकते हो, वड्डी दे विचों माइनस होएगी छोटी तो डिवीजन होएगी वड्डी विचाली नाल मिड वाली नाल, ठीक है, ये भी तो सानू ध्यान च रखना भी आह वाली उपर ही चाहिए आ, वड्डी वाली उपर भी चाहिए आ, कई तो इदा भी आ जाता होंगे कई बार, फिर तुम उलझ जाओ एन सी आर माइनस वन बाय एन सी आर, दैन फिर नहीं इदा करना है, यदा फिर रैसीप्रोकल हो गया, ये चीज़ का रैसीप्रोकल हो गया, जे यदा रैसीप्रोकल होया तो यदा भी रैसीप्रोकल होएगा, एक याद रखनी है तो सानू दूजी तुहाडे ऑटोमैटिकली याद हो जानी है, ठीक है, उपर वड्डी चाहिए है, ठीक है, उपर वड्डी वड्डे वड्डा कंबीनेशन कह लो चाहिए, तो उन्हों का वड्डी तो छो सब तो छोटी की सबसैक्शन करनी है, तो डिवाइड कहदे नाल करना मिड वाले नाल, ठीक है, ये तो सानू याद रखना। एक जो क्वेश्चन आता हों मिड सॉरी मिड टर्म नहीं जनरल टर्म वाला, जनरल टर्म ये तुहानू काफ़ी इंपोर्टेंट है, जनरल टर्म इतों ही वेखते हैं, एक्स प्लस वाई रेज पावर एन असी खोलिया, इनू खोलते खोलते गए एक टर्म आई एन सी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर वाई दी आर, यही साड़ी जनरल टर्म है, जनरल टर्म हूँ इन लिखांगे किवें, किन्नवीं टर्म है ये, ठीक है, इतों वेखो जो आ वाली साड़ी टर्म है ये फस्ट टर्म है, फस्ट टर्म आ साड़ी सैकेंड टर्म, ये थर्ड, इदा ही चलती गई, ये साड़ी कौनसी टर्म है आर्थ टर्म तो नहीं कह सकते, नहीं वेख दिया, ठीक है, हुण देखो फस्ट टर्म सैकेंड टर्म ते थर्ड टर्म, हुण असीं इहनूं की लिखांगे टी वन लिखांगे, टी वन टी टू टी थ्री लो, ठीक है, टी वन टी टू टी थ्री, हुण इत्थे आर देखो असीं इक रिलेशन कढ़ना चाहुंदे आ आर ते टर्म दे विच, टर्म नंबर दे विच, इत्थे आर किन्ना जीरो आ, वन है, टू आ, थ्री आ, इदां ही आपां इक थोड़ी जी थ्री टर्म वाली भी लिख लैंदे आ, इत्थे इत्थे प्लस पा लो एन सी थ्री एक्स दी एन माइनस थ्री वाई दी थ्री, ठीक है, इदा चलता गया, फिर साढ़े को आर आ गया, फिर तुम होर सौखा समझ आ जूगा, है ना, ये हो गया टी फोर, ठीक है बी, हूँ देखो इतने वन है, टू आ, थ्री आ, फोर आ, है ना, इतने आर की वैल्यू जीरो है, वन है, टू आ, थ्री थ्री आ, है ना, देखो आर दे विच हमेशा एक प्लस होया हुआ, आर नालों जो टर्म वड्डी है, ठीक है, इन जीरो टर्म तो नहीं कहेंगे असं, टर्म फस्ट तो ही स्टार्ट होएगी, यह आर जीरो है, इतने टर्म वन है आर टर्म टू आ, आर टू आ, टर्म थ्री है, ठीक है, आर थ्री है, टर्म फोर आ, मतलब कहने का भाव यह आ भी टी आर प्लस वन, ठीक है, टी जीरो प्लस वन, टी जीरो सॉरी वन प्लस वन, टी टू प्लस वन, टी थ्री प्लस वन, ठीक है, टर्म्स इदा आ रही ने, कहना भाव यह आ भी टी आर प्लस वन इज ईक्ल टू ओ टर्म दे ईक्ल आ, कहते किल आ, ठीक है, एन सी आर
एक्स दी एन माइनस आर वाई दी आर लो, ठीक है, पुट करके वेख लो, आर मान लो थ्री पुट कर लो, लो जी आर इक्वल टू थ्री पुट करे, आर इतने फोर आ गया, थ्री प्लस वन इज फोर, तो एंड एन सी फोर नहीं थ्री पुट करना इतने जीरो थोड़ो थ्री, ठीक है, एन सी थ्री एक्स दी एन माइनस थ्री वाई दी थ्री सेम बनता, फोर्थ टर्म कितने पई है साड़ी आ पई है एन सी थ्री एंड एक्स रिज फोर एन माइनस थ्री तो वाई रिज फोर थ्री, ठीक है, ये साड़ी जनरल टर्म हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता तुहानू इत्थे तक चंगा समझ आया होना साडा, ठीक है, बाइनोमियल थ्यूरम तो इंट्रोडक्शन पास्कल दी ट्रायंगल होगी, बाइनोमियल थ्यूरम करवा दिती है किदां खोलनी है तुसां ने, तो एम सी क्यू बनी हुण जनरल टर्म भी हो गया, एम सी क्यू बनी वध गया। अच्छा हुण एक थोड़ी जी होर इत्थे चीज़ सब तुहानू समझाउण वाली है, मान लो कह दिंदा तुहानू कोई भी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन नूं तां तुसीं इदां खोलोगे, जे तुहाडे कोल इदां आ जांदा जी एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन, इहनूं की करोगे तुसीं, इहनूं देख के तुसां ने घबराउणा नहीं हैगा, क्योंकि कितें घबरा जाओ जी, सानूं तां प्लस वाला दस्सिया माइनस दा की करांगे असीं, ठीक है, इहनूं देख के घबराउणा नहीं, असीं इदां हल करांगे एक्स प्लस माइनस दा वाई रेज टू पावर एन, जो आ माइनस आ असीं वाई दे नाल लैके चलांगे हमेशा। हुण देखो उदां ही आह चीज़ अपलाई करो इहदे ते, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर जीरो माइनस वाई रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन माइनस वाई रेज टू पावर वन प्लस एन सी टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू माइनस वाई रेज टू पावर टू, एक टर्म हो लिख लें, प्लस एन सी थ्री एक्स रेज पावर एन माइनस थ्री माइनस वाई रेज टू पावर थ्री, इदा ही कर देंगे लो जी, इतने एन सी एन होया एक्स रेज पावर जीरो होया माइनस वाई रेज पावर एन होया, ठीक है, माइनस इनकलूड कर लेनी है, कोई बड़ा मसला नहीं। हुण असीं हल कर देने, आ माइनस आ जीरो पावर करांगे वन हो जूगा, एन सी जीरो एक्स रेज पावर एन आ गया, कोई फर्क नहीं पाया, पहली टर्म उदा ही आ देखो, ठीक है, प्लस इतने देखो इन माइनस में हल कर दें, माइनस वाई रेज पावर वन है, ठीक है, वाई की वन आजगी माइनस वन की वन आजगी, ठीक है, माइनस बाहर आजगा यह, तो एन सी वन एक्स की एन माइनस वन वाई आ गया, ठीक है, सैकेंड टर्म ए वाली है, यदि ए आ टर्म सेम ही है, इकला माइनस से प्लस का फर्क पिया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ठीक है। हुण अगे वेखो लो इतने पावर कितनी है, टू आ, है ना, इतने जो प्लस आ खत्म हो जानी है ना आपस के विच, तो साढ़े को प्लस की प्लस रहेगी, तो एन सी टू एक्स की एन माइनस टू वाई की टू, ठीक है, इदा ही थर्ड के माइनस आ जाएगी एन सी थ्री एक्स की एन माइनस थ्री तो वाई की थ्री, इदा ही चल आ गया लो, ठीक है, एन सी एन एक्स की जीरो आ माइनस वाई रेज पावर एन, ठीक है। हुण देखो इतों की रिजल्ट निकलता, इकला माइनस के चेंज आता है ना, पहली पॉजिटिव नैगेटिव अल्टरनेट माइनस आ जाती है, जे एक्सप्रैशन साडा एक्स माइनस वाई हो, अगर एक्स प्लस वाई है तो कोई चक्कर नहीं है, तो एक्स माइनस वाई आता भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, उही माइनस से प्लस माइनस प्लस इदा आ जाना, ठीक है। हुण देखो क्वेश्चन किदा का आता हों, क्वेश्चन इदा का आएगा, तुहानू नोट कर लो जे नोट करना चाहते हो, आप उत्थे ही कर देने है ना, शॉर्ट के करते हैं, क्वेश्चन इदा का आऊगा तुहानू, पहला तो अज का जो टॉपिक से बेसिक से काफ़ी, है ना, ये क्वेश्चन तो थोड़े बनते अपने जो कंपीटेटिव एग्जाम के बैठने वाले बच्चे आ, बट जरूरी बड़ा सी समझना इनू, ठीक है, ताइयों अगे असी प्रोसीड कर पावे, अदरवाइज साढ़े को बनना ही नहीं गल, तो जेडे प्लस वन मैथ्स के स्टूडेंट्स आ उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने एक्सपेंशन के क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्टिव पेपर आ, है ना, तो ये जो अज वाला टॉपिक करिया ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आदि लिए दो ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो असं कल वाला टॉपिक करा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म वाला नंबर ऑफ टर्म्स वाला, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए जो ये ही बेसिस है, ठीक है, इस बेसिक कंसैप्ट। देखो क्वेश्चन कितना बन लिया, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर सैवन तुहानू आख दिता जाऊगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कि नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन जो एक्सपेंड करा तुम कहो जी एट आनगियाँ, क्यों, क्योंकि सानू पता है जी जिनी पावर वन होवे उदू टर्म एक प्लस आती होंगी है, ठीक है, लो जी असं अगे कहने एक्स प्लस वाई या टू एक्स प्लस थ्री वाई इज ईक्ल सॉरी रेज टू पावर सैवनटीन, तुहानू कहा जाता नंबर ऑफ टर्म्स कि आनगियाँ, आखोगे जी एटीन आनगियाँ, कुछ करन दी लोड़ नहीं हैगी, इहनू एक्सपेंड करन दी लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि असीं जनरलाइज कर चुके हैं जिन्ना पावर आ उदू टर्म एक प्लस आती है, ठीक है।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਆਫ x ਐਂਡ y ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਆਫ x ਐਂਡ y ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਆਯੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ x ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਪਾਵਰ n ਇਹਦੀ x ਅਤੇ y ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ n ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ n ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ x ਇਜ਼ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਆ y ਇਜ਼ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ n ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 1 ਇਜ਼ n ਠੀਕ ਹੈ n ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੋ x ਇਜ਼ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 2 ਅਤੇ y ਇਜ਼ ਪਾਵਰ 2 ਇਜ਼ x n ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ 2 ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ n ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ x ਅਤੇ y ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ 7 ਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਅਤੇ y ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 7 ਹੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਅਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਆਏਗੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੁਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ MCQ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ